हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो पॉलीमर चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 14 में पहुंच चुके हैं और इसका बहुत सारे पार्ट जो है मैंने दूसरी वीडियो में ऐड कर दिए हैं। अभी जो हम बात करेंगे इन दिस सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म हियर रबर। तो रबर को हमने डिवाइड किया थ्री कैटेगरी के अंदर, आप देख सकते हैं नेचुरल रबर, वल्केनाइज रबर एंड सिंथेटिक रबर। सो दीज टॉपिक्स बेसिकली आर बीइंग डेल्ट इन दिस सेशन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नेचुरल रबर और वल्केनाइज रबर। नेचुरल रबर मीन्स जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती है इलास्टिसिटी की। तो इसको हम थोड़ा सा एक तरह से क्या करते हैं, सल्फर ऐड कर देते हैं जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। तो उसको हम वल्केनाइज रबर बोलते हैं। सल्फर क्रॉस लिंकिंग कर देते हैं हम चेन के बीच में, जैसे आपने पढ़ा होगा अब तक कि जो पॉलीमर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको कभी कभी लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है ना, ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो उनके ऊपर डिपेंड होता है बहुत सारे उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वल्केनाइज रबर में क्या होता है, लीनियर प्रॉपर्टीज के अंदर बीच बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस लिंकिंग भी आ जाएगी और सल्फर जो होता है मेजरली यहाँ पार्टिसिपेट करता है। सिंथेटिक रबर में और अगर प्रॉपर्टीज को क्या करना है आपने, उसको और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कुछ अलग तरह से, तो उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को एक दूसरे को ऐड करेंगे तो उससे कुछ हमें कुछ नया मिलेगा। जैसे मैं मान लो गुना एस की ही बात करता हूँ, है ना। तो गुना एस के अंदर क्या होगा, 1,3-butadiene लेना है और एस टीरीन लेना है, अलग अलग केमिकल लेने हैं जिससे क्योंकि अलग अलग हमारे पास प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नेचुरल रबर। तो यहाँ हम इस बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा लेंथी वर्जन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल नेचुरल रबर क्या होते हैं उसके पॉलीमर में, और सेकंडली हमें उसके मोनोमर यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। कौन सा मोनोमर यूनिट्स नेचुरल रबर में इंट्रोड्यूस होता है, लाइक दैट रिसेंटली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट में नेचुरल रबर पार्ट। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे नेचुरल रबर को लेकर के। सभी लोगों ने सुना है नेचुरल रबर कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। तो प्लांट हम उस प्लांट या ट्री जिसको भी मानते हैं, तो एक्चुअली नेचुरल रबर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लैटेक्स एंड लैटेक्स बेसिकली अल्टीमेटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्री, ठीक है। तो हमें जो अभी समझना है इसके अकॉर्डिंगली, तो उसमें हमें ये लिखना पड़ेगा इट इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर क्या है, केमिकल भाषा में इसको जब समझेंगे तो ये आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है। तो आइसोप्रीन क्या हुआ, यहाँ एक तरह से मोनोमर यूनिट हुआ। अब देखो आइसोप्रीन किसको बोल रहे हैं, तो आइसोप्रीन का फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, 2-methyl-1,3-butadiene है, क्या है, 2-methyl-1,3-butadiene आईयूपीएसी नॉर्मिंग फीचर के हिसाब से आपको ध्यान में होगा। और ये आइसोप्रीन जो है ये इसको हम कॉमन से जानते हैं। तो देखिए यहाँ हमें नंबरिंग कर दिए, 1-2 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 4 के पास कार्बन है, ठीक है। तो इसकी जब पोलीमराइजेशन होगी, अब पोलीमराइजेशन होगी तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, पोली आइसोप्रीन। तो पोली आइसोप्रीन क्या, इसको हम अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं, ये नेचुरल रबर है, ठीक है, ये नेचुरल रबर है, ठीक है। तो एक्चुअली कभी कभी ये भी समझ में आता है आपको, हो सकता है किसी कोई आपसे ऐसे डील करे कि क्या सिस पोली आइसोप्रीन नेचुरल रबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल है सिस पोली आइसोप्रीन। तो ये केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से सिस एंड ट्रांस दो यहाँ आपको टर्म्स पढ़ते हैं। तो यहाँ जो सिस वाला टर्म होगा सिस पोली आइसोप्रीन, वो भी उसको भी हम क्या मान रहे हैं, एक्चुअली वो नेचुरल पॉलीमर ही है, ठीक है। तो इनकी जो खासियत होती है नेचुरल पॉलीमर इसमें रबर की, वो है वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, उनके बीच में क्या होगा, वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिससे क्या होगा उनकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगी ना फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें लिखा है रिमार्केबल इलास्टिक प्रॉपर्टीज इज शोन बाई नेचुरल रबर,
ठीक है। अब देखो यहाँ से ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि फोन कहाँ पे है, तो ये अभी बहुत बेसिक हो चुका है ना हमारे लिए, बिकॉज ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ना ये आगे डबल बॉन्ड है और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया तो इसको हमने यहाँ लिख दिया जो कि नेक्स्ट मोनोमर यूनिट से जुड़ने के लिए रेडी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला निकलेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इस चेन के इस वाले हिस्से को शो कर रहा है, ठीक है, ये तो आपको आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रबर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमारा जो यहाँ टॉपिक चलेगा वो है वल्केनाइज्ड रबर के बारे में। क्या नाम है इसका, वल्केनाइज्ड रबर। तो ये रबर क्या होगा, सल्फर जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं क्रॉस लिंकिंग बनाएगा नेचुरल रबर की लेयर के बीच में, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्या लिखा है, व्हेन रॉ रबर हीटेड विद सल्फर एट 373 से लेकर के 415 केल्विन टेम्परेचर। मतलब क्या होगा, सल्फर तो डलेगा ही डलेगा और उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो भी हमें थोड़ी सी फिक्स करनी पड़ती है, 373 से लेकर के 415 केल्विन के बीच में रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हमें जो नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज में क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा और थोड़ी सी इसकी स्टिफनेस भी बढ़ जाएगी रबर की, है ना। तो सबसे पहले इसमें इसके साथ में हम क्या लिख लेते हैं फ्रेंड्स, वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन भी इसी में हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। वल्केनाइजेशन का एक प्रोसेस है अभी जहाँ वल्केनाइज्ड रबर हमें ऑब्टेन होती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक और चीज हाईलाइट मैंने कर दी है, सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंकिंग एट एक्टिव साइट पर, स्पेशली जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं। तो सल्फर कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हमें जो उसका मोनोमर यूनिट होगा उसके जहाँ डबल बॉन्ड होगा ना उसमें कहीं ना कहीं वो अटैक करेगा और अपना एक ब्रिजिंग बनाएगा, जिसको हमें क्या बोल रहे हैं, क्रॉस लिंकिंग। ये वर्ड लिख दिया मैंने, क्रॉस लिंकिंग बनाएगा, एक्टिव साइट पे अटैक करेगा और कहीं कहीं डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे ये ड्रो किया, ये देखिए सबसे पहले कुछ सामने आपके आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना वेव टाइप, तो ये क्या है, ये एक्चुअली हमने आइसोप्रीन बनाया है। क्या बनाया है, मोनोमर यूनिट कौन सा, नेचुरल रबर का कौन सा होता है, याद करो, यस वो होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को हम क्या बोलते हैं, 2-methyl-1,3-butadiene, क्या बोलते हैं, 2-methyl-1,3-butadiene। तो एक्चुअली बहुत सारे लंबी लंबी क्या है, चेन्स है, मान के चलिए जस्ट, और बीच में क्या जुड़ रहा है, सल्फर जुड़ रहा है, ये मैंने सल्फर दिखा दिया है, ठीक है। अगर इससे बना हुआ चेन या मटेरियल अगर वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है, मतलब उसके ऊपर हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसमें उसको हम खींच नहीं रहे हैं, तब तक वो आप ये जस्ट मान सकते हैं वो इस फॉर्म में, ये इसका जो वल्केनाइजेशन होने के बाद इस फॉर्म में दिखेगा, और यहाँ मैंने लिखा ना रिलैक्स्ड फॉर्म में। अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेच करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, खींचते हैं उसको कुछ, तो उसके अंदर ये जो चेंजेस है ना वो थोड़ा उसमें तनाव आ जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। ये देखिएगा, ये इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, तो इसके रबर के अंदर क्या आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कब आएगी, वल्केनाइजेशन करवाने के बाद, मीन्स सल्फर का एडिशन करवाने के बाद। चलिए एक और बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि जब हम इसका वल्केनाइजेशन करवाते हैं तो सल्फर डायरेक्ट जब हीट किया जाता है रॉ रबर में, मतलब कि आइसोप्रीन के अंदर, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है एक्चुअली। तो इसको हम क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कुछ एक एक्टिव सब्सटेंसेस डालते हैं जिसको हम एडिटिव बोलते हैं, और जैसे कि एक जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, और यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो आपको किस तरह से ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आइसोप्रीन लिखा है, ठीक है, आइसोप्रीन आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो ये है
2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडीन, ठीक है। तो एक मेरे पास क्लियर क्या है, इसका है आइसोप्रेन का, ये आपके सामने ये था, और दूसरा मैंने ये लिखा हुआ इसके बिल्कुल नीचे वाली फोटो में, ये देखिए क्या है, 1 3 ब्यूटाडीन, दैट इज आल्सो आइसोप्रेन। अब ये क्या होगा इनके बीच में, यहाँ सपोज करो मुझे सल्फर जोड़ना है, तो सल्फर कहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सल्फर की जोड़ने की, जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, बीच में सल्फर लगा दिया, इसके इस और इस कार्बन के बीच में भी कहीं जगह है, तो यहाँ हम लगा देते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना, उसको आप डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, अब तक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर दो, एक इलेक्ट्रॉन किसके इस कार्बन पे शिफ्ट कर दो, और उसी तरह हम क्या करेंगे, एक जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा डबल बॉन्ड का, इस कार्बन के लेके चले जाओ और इसका इसके साथ लेके चले जाओ, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या जुड़ना शुरू हो जाएगा, इसके पास ले जाओ और इसको इस कार्बन पे शिफ्ट कर दो, इसको कहाँ करो डबल बॉन्ड है, इसके पास लेके चले जाओ इस कार्बन के पास, इसको इस कार्बन के पास लेके चले जाओ। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है ना, सल्फर का अपना इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ आप देख सकते हैं समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने अब देखिए इस सारे पिक्चर को मैंने यहाँ पे बना दिया फाइनल फॉर्म में, तो ये सल्फर इसके साथ जुड़ा, आप देख सकते हैं इसका इस सल्फर के बीच में ये जो कॉपर बॉन्ड लग रहा है, ये देखिए ना एक सल्फर इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद सल्फर के साथ क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बनेगा ना, आप देखिए समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या होने लगी, ब्रिजिंग स्टार्ट होने लग जाती है, तो ब्रिजिंग होने का मतलब क्या है, पॉलीमर स्टार्ट हो गया बनना। ऐसी बहुत सारी रेप्लिकेशन होती है, रिपीट होता रहेगा ये इवेंट, तो हमें लंबी से लंबी चेन जो है मिलती चली जाएगी। ओके नाउ वी विल डील एप्लीकेशन पार्ट, तो यहाँ डिपेंड करता है कि आपको जो सल्फर आप उसके अंदर नेचुरल रबर में रॉ रबर में ऐड कर रहे हैं, तो वो कितने अमाउंट में है, कितनी परसेंटेज में है, कम है ज़्यादा है, लाइक दैट, ठीक है। तो एप्लीकेशन भी वेरिएशन उसके अंदर एप्लीकेशन में भी आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम रबर टायर्स का, तो मैंने यहाँ लिखा रबर टायर्स, तो रबर टायर में लगभग 5% क्या होता है सल्फर होता है नेचुरल रबर के साथ, इसको हम रॉ रबर बोल रहे हैं, ठीक है। इतना 5% अगर सल्फर उसको ऐड कर रहे हैं टोटल, तो उसमें हम नेचुरल टायर का जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। एक टर्म आता है ना इगोनाइट का, ये देखिए सेकंड वाले इगोनाइट, एक तरह से जहाँ पर मुझे पता है एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, फिजिक्स में भी टर्म आता है इगोनाइट का। तो देखिए इसमें 25% क्या डलता है सल्फर डलता है, किस में डल रहा है बताइए, नेचुरल रबर में डल रहा है, एग्जैक्टली। अब बात करते हैं बैटरी केस के अंदर, ठीक है, जो बैटरी जिसमें रखी जाती है बाहर का प्लास्टिक टाइप, ठीक है, तो वो भी एक तरह से वल्केनाइज्ड रबर का एग्जांपल होता है, बट एज दैट केस 35% ऑफ सल्फर इज यूज्ड, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास वल्केनाइजेशन का टॉपिक, और इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारा सिंथेटिक रबर। सो फ्रेंड्स अभी हम बात करेंगे सिंथेटिक रबर को लेकर के, एज यू नो सिंथेटिक रबर इज क्लासिफाइड बेसिकली इन थ्री कैटेगरी है ना, नंबर वन इज व्हाट नियोप्रीन, नंबर टू इज बोना एस, नंबर थ्री इज बोना एम। तो यहाँ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नियोप्रीन की तो करेंगे ही करेंगे, और बोना एस की नहीं करेंगे, बोना एम को मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज बोना एस जो है बहुत बार मैंने पीछे वाले जो मेरी वीडियोज हैं उसके अंदर एक पॉलीमराइजेशन का टॉपिक है, उसमें भी मैंने बता दिया है बोना एस को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर बताने की सबसे जरूरत पड़ेगी, आप वहां से वीडियो को देखें आपको बोना एस मिल जाएगा। तो एट प्रेजेंट भी बात करता हूँ सिंथेटिक रबर को लेकर के, देखिए सिंथेटिक रबर क्या है, सिंथेटिक रबर से सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड है, मतलब ऐसी रबर जो कि लैब के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर उनकी लैब में बनाई जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं सिंथेटिक रबर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिंथेटिक रबर जो होगा इससे मिलकर बना हुआ होगा, होमोपॉलीमर होगा इसका 1,3-ब्यूटाडीन का, इसका 1,3-ब्यूटाडीन बहुत बार यूज होने वाला है रेटलोसिस को,
अब देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो जरूरी डेरिवेटिव वर्ड आपको पता होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि बेंजीन है, तो बेंजीन है और उसका कोई डेरिवेटिव आप बताएंगे तो क्या होगा, तो शायद आपके दिमाग में आएगा जैसे कि फिनोल है ना, टोलिन है, तो ये क्या है, बेंजीन के डेरिवेटिव है। तो उसी तरह वन से ब्यूटेन के भी बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, जैसे क्लोरो, यहाँ हम बात हो रही है क्लोरो, क्लोरोपेन की, जो जो कि टू क्लोरो वन से ब्यूटेन है, टू मिथाइल वन से ब्यूटेन भी हो सकता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव वन से ब्यूटेन के मिलेंगे, जो कि देखिए जो कि होमोपोलीमर होगा। होमोपोलीमर आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, पिछले वीडियो के अंदर मिल जाएगा होमोपोलीमर और कोपोलीमर क्या होता है। होमोपोलीमर सेम मोनोमर यूनिट्स जब जुड़ेंगे, कोपोलीमर डिफरेंट क्या जुड़ेंगे, मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ करके आपको पोलीमर देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो दीज आर आइदर होमोपोलीमर ऑफ वन थ्री ब्यूटाडीन डेरिवेटिव, और यहाँ एक बार फिर से लिखा हुआ और, कोपोलीमर भी हो सकते हैं किसके, ऑफ वन थ्री ब्यूटाडीन और इससे डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अभी देखते हैं न्यूक्लियन, टेकिंग एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन क्या है, इट इज पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। देखिए क्या लिखा है, क्लोरोप्रीन, याद रखिए क्लोरोप्रीन क्या है, क्लोरो का मतलब है टू पोजीशन पे, टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटाडीन, ब्यूटाडीन चलता रहेगा। ये डेरिवेटिव भी जो सिंथेटिक पॉलीमर के में यूज होगा वो बेसिकली वन थ्री ब्यूटाडीन तो होना ही होना है, इट्स कंफर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटाडीन का एग्जांपल आईबीसी नॉमिनेशन पर लर्न करो, समझ में आ जाएगा। तो वन टू टू पोजिशन टू क्लोरो, ठीक है, चार इसके पास कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट लग जाएगा। तो अंडर दिस कंडीशन ओ टू और परऑक्साइड, ओ टू एंड परऑक्साइड क्या करते हैं, एक तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, प्रोसीड होती है। मैंने आपको एक वीडियो है उसमें वीडियो में बताया है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन में बताया है कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। याद होगा तो सोच के देखिए कौन कौन से स्टेप आपको याद में आ रहे हैं। नंबर वन था वहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर क्या था, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, थ्री स्टेप्स हमें याद होने चाहिए। तो देखो वैसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो वहाँ बेंजोइक परऑक्साइड के साथ हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की थी, तो यहाँ वेरी ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल एक तरह से परऑक्साइड और ओ2 आर बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है, एंड दिस अंडर दिस हेडिंग। चलिए तो यहाँ से देखो न्यूक्लियन मिल रहा है, बिल्कुल आप समझ गए, आप समझ पा रहे होंगे कैसे ये आगे से आगे प्रोपोगेट हो रहा है ना। तो ये देखिए ये आगे यहाँ और ये इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये इस कार्बन में चला जाएगा। तो अभी दोनों ही इस तरह देखिए, इस तरह ध्यान से समझिए, इस तरह इस कार्बन के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड का जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ इस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और यहाँ से काफी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ कहाँ चला गया, इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये समझिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं जुड़ने वाला है, बस इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुआ वो किस कार्बन के पास चला गया, इस कार्बन के पास चला गया, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं इसका, कोई बात नहीं, क्लोरीन को ऐसे लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा ना, न्यूक्लियन, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन पार्ट में, एप्लीकेशन यूजेस सिग्निफिकेंस, एक ही बात है। तो गैसकेट बनाने में काम आती है, तो गैसकेट्स क्या होती हैं, देखिए प्रेशर कुकर मैंने जो बताया पहले कहीं यूज हुआ है टर्म हमारे इस पॉलीमर चैप्टर में, गैसकेट, जैसे कि प्रेशर कुकर का जो अपर पार्ट आता है जिसमें ढक्कन होता है, उस ढक्कन में देखना सेफ्टी पर्पस से एक कहीं देखना कहीं लगा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, उसके रबर की ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, उसको हम गैसकेट मान सकते हैं, ऐसा कुछ होता है उसका। तो शू हील्स, टू हील में यूज होता है, सिंथेटिक रबर का ये यूज है, स्टॉपर्स में है ना, डोर वाले जो स्टॉपर्स आते हैं, और एज ए इंसुलेटर यूज होता है, पेंटिंग रोलर में भी यूज होता है न्यूक्लियन। तो देयर आर वेरी वाइड एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंथेटिक पॉलीमर दैट इज न्यूक्लियन।
फ्रेंड्स राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज मोना एंड मोना एंड क्या होगा, मोना एंड कहाँ से मिलकर के बना हुआ होगा, उसके पीछे कौन से मोनोमर लगे हुए होंगे, कौन से मोनोमर से मिलकर के बना हुआ होगा, तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। मोना बी यू इंडिकेट वर्ड 1,3 ब्यूटाडीन तो बहुत कॉमन डेरिवेटिव होता है ये, ब्यूटाडीन और ब्यूटाडीन के बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। तो एंड इंडिकेट फॉरवर्ड एक्राइलोनाइट्राइड का नाइट्राइड याद करिए क्या होता है, नाइट्राइड जहाँ पे साइनो ग्रुप लगा हुआ होता है, CN ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है ना, ये CN आपको दिख गया यहाँ, तो ठीक है। इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज द मोनोमर ऑफ पॉलीब्यूटाडीन एंड एक्राइलोनाइट्राइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हीट एंड आफ्टर कोपॉलीमराइजेशन एग्जिस्ट टू फॉर्मेशन ऑफ गुनाइन। ओके, तो चलिए 1,3-ब्यूटाडीन को देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर फिर से। तो 1,3-ब्यूटाडीन आपके सामने ये रहा, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइड को समझिए, तो ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH CN, ठीक है, CN में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से आप समझिए इसको एक्राइलोनाइट्राइड, तो एक तरह से प्रोपीन है ना, मीथिक प्रोप, ठीक है, प्रोपीन नाइट्राइड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्राइलोनाइट्राइड स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्रैम करने वाला काम है, नहीं है थोड़ा पर ऑक्साइड यूज होगा, हीट करेंगे, गर्म करेंगे और हमें बोना है, इस तरह से कुछ देखने को मिल जाएगा। और ये बॉन्डिंग वगैरह आपको अच्छे से पता लग गई होगी क्या हुआ होगा, दिस एंड दिस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बॉन्डिंग को जोड़ते चले जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आप इसको एक बार देखिए इसको स्ट्रक्चर को, तो यहाँ से क्रिस्टल मैं पर बना देता हूँ CH, ये देखिए CH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से बॉन्ड बना, एक सिंगल बच गया इलेक्ट्रॉन CH2, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ इधर आ गया, और जो एक्राइलोनाइट्राइड का ये फर्स्ट कार्बन था उसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए यहाँ मिलेंगे, और यहाँ डबल बॉन्ड हट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये साइनो जुड़ जाएगा और यहाँ हमें आगे फर्दर चेंज जो है मिल जाएगी, तो यहाँ आपको मोना एंड का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है, गॉट इट। ओके, अभी हम लास्ट में इस पार्ट को भी एप्लीकेशन में इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स, मोना एंड ये ना एक तरह से बिल्कुल ऑयल से परहेज करता है, क्या करता है, परहेज करता है, इट इज रेजिस्टेंट टू पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल ग्रीसिंग एंड अदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सॉल्वेंट्स, ठीक है, तो ये सभी इसकी खासियत है कि ये क्या करेगा, अपोजिट बिहेवियर करेगा ग्रीस पेट्रोल एक्सेट्रा ऑयल वगैरह से, ठीक है। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली देखिए इसके जो एप्लीकेशन रिसेंटली मैंने लिखे हैं, ऑयल सीएनजी बनाने में यूज करते हैं, टैंक माइनिंग में यूज होता है, होसेस में यूज होता है, कार वगैरह होसेस आपके तक की ना क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ, रस्सी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है होल हो, पतली पतली होती है, ये कार में भी यूज होती है, तो इस तरह से होसेस आप समझ सकते हैं, टैंक लाइनिंग जैसे मान लो ऑयल के बड़े बड़े टैंक हैं वहाँ लीकेज ना हो जाए तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे लगाना पड़ेगा, है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ ये मटेरियल यूज होता है, दैट इज मोना एंड, गॉट इट।